वालेकुम कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे खूब खुश खुरम होंगे और रब ताला से मैं दुआ को हूँ कि रब ताला अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें आप पे कर दे रब ताला आपकी दुआओं को आपकी दिली मुरादों को कबूल करें और आपकी मुश्किलात को आसानियों से और कामयाबियों से बदल दे इंशाल्लाह आमीन सुम आज एक सिस्टर ने जो है वो शेयर किया अपने एक्सपीरियंस और बहुत ही उन्होंने अच्छी बातें बोली हैं आई एम श्योर कि आप सब भी जो है ना वो इसमें से बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर सकेंगे ये सिस्टर कहती हैं कि जब तक कि मैंने दरूशरीफ़ का जर्नी स्टार्ट नहीं किया था और मैं दुआ मांगती थी दर्ोशरीफ़ पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरी दुआओं में असर नहीं है मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दर्ोशरीफ बदल लेना चाहिए शायद जो दुरुशरीफ में पढ़ रही हूँ वो सही नहीं है शायद मैं कोई दूसरा सीगा पढ़ूंगी तो उससे ज़्यादा फ़र्क़ पड़ेगा लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि जब मैं दुर् पढ़ती चली गई बहुत सारे चेंजेस हुए बहुत सारे मेरिकल मेरी ज़िंदगी में हुए तो फिर मैंने ये नोट किया कि दुरू पढ़ते वक्त जो है ना हमें दो चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है एक तो जब हम दरू शरीफ पढ़ें और दुआ मांगें ना तो हमें मुकम्मल तकवा इख्तियार करना है यानी रब तला से भरपूर तरीके से जुड़ जाना है ये सोच लेना है कि दुरू जो है उससे दुआ कबूल होगी तो फिर होगी होगी फिर चाहे चीज़ें सामने नज़र आए या नहीं आएँ लेकिन हमने द्रोशरीफ़ पढ़ते चले जाना है और अपने यकीन को जो है ना वो कायम और दायम रखना है द्रोशरीफ़ के ज़रिए से दुआएं कबूल करवाने के लिए एक की इंग्रेडिएंट जो मुझे फ़ील होता है जो कि एक बहुत ही इम्पॉटेंट फैक्टर है जो कि अगर हम में मिसिंग भी हो होता है शुरू में तो बाद में जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है शायद यही रीज़न है कि द्रो शरीफ जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है कि उससे आपकी दुआएँ कबूल होती हैं शुरू में ऐसा होता है कि जब आप परेशान होते हो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप जो है ना वो स्पिरिचुअली भी वीक होते हो आपका यकीन आपका तवकल भी जो है ना वो कमज़ोर होता है तो आप जो है ना बहुत शेकी से होकर दुआ मांगते हो पता नहीं होगी नहीं होगी क्या होगा इतने वसवसों से जो है ना आप भरे हुए होते हो लेकिन जैसे जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाते हैं अल्लाह सुबहाना बस ऐसे होता है कि आपके अंदर ना एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होता चला जा रहा है और वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपके सारे वायरसेस को रिमूव कर रहा है जो आपकी शख्सियत की कमज़ोरियाँ थी जो आपके ईमान की कमज़ोरी थी जो आपके यकीन की कमज़ोरी थी यानी एक तरह से ये सॉफ़्टवेयर जो है ना आपकी हर चीज़ के अंदर से वीकनेस को हटा के उसको एक बेहतरीन और लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपग्रेड करता है जो कि होता है तवक्कल का बेहतरीन लेवल यकीन का बेहतरीन लेवल रब तला से कनेक्शन का बेहतरीन लेवल और रब तला से आपकी इतनी पुरुद जो है वो कनेक्शन होता है जो आपके अंदर से मायूसी को निकाल फेंकता है आपको मायूस होने ही नहीं देता और आप रब तला से बहुत खुशगुमान रहते हैं जितना आप दुरुशरीफ तवज्जो और मोहब्बत से पढ़ते चले जाते हैं उतना ही ऐसा लगता है कि दुरुशरीफ शरीफ के अंदर से एक ऐसा नूर ऐसी पुरसकून कर देने वाली रोशनी जो है वो आपके अंदर जाती है जो कि आप के अंदर इरादे की मजबूती आपके अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी पैदा करती है और स्लोली स्टेडली वो मुकाम आ जाता है जब आपके ज़बान को इतना लुत्फ आ रहा होता है पढ़ने से कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप द्रोशरीफ़ थोड़ी देर के लिए भी पढ़ने को छोड़ दें दरूशरीफ़ को जितना ज़्यादा आप वक्त देते चले जाएँगे उतना ही ज़्यादा जो है ना ये आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता चला जाएगा आपके हालात में बेहतरी लाता चला जाएगा दुरुशरीफ से आपकी हाजतें पूरी होंगी आपको अपग्रेड करता चला जाएगा अल्लाह सुबहाना ताली गुनाह आपके माफ़ होते चले जाएंगे और इन सारी चीज़ों के असर आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में महसूस करेंगे आपकी ज़िंदगी में दुरुशरीफ से बढ़ के और कोई चीज़ जो है वह आसानी खींच के लाने वाली नहीं है आप अल्लाह सुबहाना ताली आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर देगा जब भी कोई परेशानी आएगी कोई मुश्किल आएगी क्योंकि तो मुश्किल और परेशानियों का आना जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है कुरान में जैसे अल्लाह सुबहाना तै फरमाता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है और इसको जो है हम ये ही सुनते आए हैं कि ये एक्चुअली क्या है कि हम जो भी ग़लत काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह सुबहाना ताली जो है वो हमारे लिए फिर जो है वो रिमाइंडर्स के तौर पर अल्लाह ताली जो ब्लॉकेज़ लेकर आता है वो ये इशारा होता है कि हम स्तार कर लें लेकिन इसका एक एंगल कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि हम अल्लाह ताला ने जो है वह हमें दुआ मांगने का इख्तियार दिया है ना और अल्लाह सुबहाना ताला ने जो है हमें कहा है कि हम दरुशरीफ़ पढ़ें और उससे अल्लाह सुबहाना ताला ने कितनी खुशखबरियों की गारंटी दी हुई है दीन और दुनिया की कितनी आसानियाँ देने के वादे किए हुए हैं तो फिर जब हम इन चीज़ों से जो है वो कनेक्ट नहीं होते तो फिर ऐसा है कि जो हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौके दिए हुए होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर लें अपनी मुश्किलात से बच जाएं, अपनी मुश्किलात से निकल कर आ जाएं और ख़ुद को अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करें और अपने लिए आख़रत के बेहतरीन सामान कर लें तो जब हम ये सारी अपरचुनिटीज़ अवेल नहीं कर रहे होते ना तो ये होता है कि हमने अपने बेस्ट अपरचुनिटीज़ और बेस्ट जो अल्लाह सबाना तआला ने हमें दिए हुए होते हैं मौके वो हमने मिस कर दिए होते हैं वो तमाम लोग जो कि डबल माइंडेड हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो दरूशरीफ़ पढ़ें वो कौन सा पढ़ना शुरू करें या उनको ये फ़ील होता है कि कोई भी जो है ना उनको बेनिफिट्स फील नहीं हो रहे तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी कि दरूशरीफ़ को आप पढ़ते चले जाएँ दरू शरीफ से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंज आएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसी आप चाहते हैं तो इनशाला चीज़ें ज़रूर बेहतरीन होंगी हो सकता है वो सब ना हो जो आप चाहते हों लेकिन आपके लिए वो सब ज़रूर होगा जो रब ताला चाहता है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हो तो रब ताला के ऊपर मुकम्मल तवक्ल रखते हुए और यकीन की जितनी बेस्ट फॉर्म रख के आप दुआ मांग सकते हैं आप मांगें और इनशाला फिर आप देखें कि दरूशरीफ़ कैसे मुआज़े करता है आपके लिए भी इन